गुड मॉर्निंग एडवांस स्कूल ऑफ मैथ एंड साइंस एंड सरदार पटेल सुपर छठी 11th क्लास के बच्चों को लेके आया है सेट थ्योरी। सेट थ्योरी बाय जॉर्ज कैंटर। कोडिंग इसका है क्लास 11 मैथ 01 पार्ट 01 एपिसोड 01 क्लास 11 मैथमेटिक्स। तो हम बात करते हैं मैथमेटिक्स का 11th क्लास का। ये एनसीईआरटी किताब है, इसको हम लाइन बाय लाइन सोल्यूशन डालूंगा प्लस रेफरेंस बुक। अगर हम बात करें डॉक्टर के सी सिन्हा सर जी का, आर डी शर्मा जी का, एम एल अग्रवाल जी का, एच डी रेसघानिया जी का, लालजी प्रसाद जी का, यानी अगर हम नाम लेते रहें तो 32-33 ऑथर की बुक तो हमारे पास है। तो वहां पर जिनकी उचित प्रश्न रहेंगे वो हम यहां पर पेश करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन जाने कि सेट थ्योरी हम लोग क्यों पढ़ेंगे, यह जानना बहुत ही जरूरी। द कंसेप्ट ऑफ सेट सर्व्स एज द फंडामेंटल पार्ट ऑफ द प्रेजेंट डे मैथमेटिक्स। टुडे दिस कंसेप्ट बीइंग यूज्ड इन ऑलमोस्ट एवरी ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। सेट आर यूज टू डिफाइन द कंसेप्ट ऑफ रिलेशन एंड फंक्शन, द स्टडी ज्योमेट्री सीक्वेंस प्रोबेबिलिटी एटीसी रिक्वायर्ड द नॉलेज ऑफ सेट। द थ्योरी ऑफ सेट वॉज डेवलप्ड बाई जर्मन मैथमेटिशियन जॉर्ज कैंटर। डेट ऑफ बर्थ इज 845 और इस पृथ्वी को छोड़ के चले गए 1980। ही इज द फर्स्ट जो है। तो यानी कहने का सेंस कि सेट थ्योरी को देने वाले जो इंसान थे वो इंसान जॉर्ज कैंटर। यानी सेट को सीखने से पहले आपको जानना पड़ेगा फैमिली ऑफ नंबर सिस्टम। तो फैमिली ऑफ नंबर सिस्टम में दो ढंग से आप सीख सकते हैं, या तो असेंडिंग ऑर्डर में आ सकते हैं या डिसेंडिंग ऑर्डर में आ सकते हैं। अगर ये 5, 6, 7, 8, 9, 10 में तुम लोग असेंडिंग ऑर्डर में आए था, सबसे पहले नेचुरल नंबर पढ़ा, नेचुरल नंबर के बाद होल नंबर पढ़ा, होल नंबर के बाद इंटीजर्स पढ़ा, इंटीजर्स के बाद रेशनल पढ़ा, रियल पढ़ा, कॉम्प्लेक्स पढ़ा। लेकिन यहां तुमको हम जो नंबर सिस्टम सिखाने का प्रयास जो कर रहा हूं वह कोशिश करूंगा डिसेंडिंग ऑर्डर का, तो ज्यादा अच्छा होगा। तो हम लोग डिसेंडिंग ऑर्डर में बात करेंगे। तो सबसे पहला नंबर आया उसको कहा जाता है कॉम्प्लेक्स। नंबर उसको कहा जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर ए प्लस आई बी के फॉर्म में लिखा जाता है। ए भी रियल होता है, बी भी रियल होता है। अगर हम पार्ट करें तो एक रियल पार्ट होता है, दूसरा इमेजिनरी पार्ट होता है। इसको हम डिनोटेड जो करते हैं सी से या जेड से करते हैं, यानी सी से कर सकते हैं या तो जेड से कर सकते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया।
अब यहां पर कॉम्प्लेक्स नंबर का दो पार्ट, एक पार्ट को रियल कहा गया और दूसरे पार्ट को इमेजिनरी कहा गया। अब रियल नंबर क्या है जिसमें आई ना हो? दुनिया में एक ही नंबर, एक ही नंबर इमेजिनरी है, और उसका नेचर यह है कि जिसके साथ रहता है उसको भी इमेजिनरी बना देता है, और वह इमेजिनरी नंबर रूट अंडर माइनस वन है। रूट अंडर माइनस वन है, इसे प्यार से आई से इंडिकेट करते हैं, और ये ग्रीक लेटर में आयोटा के नाम से जाना जाता है, ग्रीक लेटर में आयोटा के नाम से जाना जाता है। ये जिसके साथ जाएगा, अगर ये टू के साथ चला गया, टू आई इमेजिनरी नंबर हो गया, आई इमेजिनरी नंबर हो गया, थ्री प्लस टू आई कर देंगे इमेजिनरी नंबर हो गया, और जिसके साथ आई नहीं रहेगा वह रियल नंबर हो जाएगा, यानी टू थ्री वन बाई टू वन बाई फोर रियल नंबर। यहां पर सिंबल पर थोड़ा सा ध्यान देना, ये रियल लिखा हुआ है तो रियल नंबर पर आएगा, ये अगर ऐसे लिखा हुआ है तो रियल पॉजिटिव, अगर यहां पर ऐसे लिखा हुआ है तो नॉन निगेटिव रियल नंबर, यहां सिंबल ऐसे लिखा हुआ है तो निगेटिव रियल नंबर, और यहां पर ऐसे लिखा हुआ है यहां पर ऐसे लिखा हुआ है तो नॉन पॉजिटिव रियल नंबर, और यहां अगर ऐसे लिखा हुआ है तो नॉन जीरो रियल नंबर। सिंबल का ध्यान देना बहुत ही जरूरी, क्योंकि सिंबल नहीं समझ पाते हैं, लोगों का गलत हो जाता है, और सेट थ्योरी में हम नंबर सिस्टम तो इसीलिए पढ़ा रहे हैं कि इसमें सिंबल आने वाला है। तो रियल को आप लोग सिंबल जान गए, फिर से एक बार रिपीट, ये आर केवल रहेगा रियल पर आएगा, अगर ऊपर पॉजिटिव रहेगा माथे पर तो रियल पॉजिटिव, नीचे पैर के पास रहेगा तो नॉन निगेटिव रियल नंबर। इसी ढंग से कर रहे आगे सभी को। अब रियल नंबर के भी दो पार्ट हुए, एक को कहा गया रेशनल नंबर, और दूसरा हुआ इरेशनल नंबर। एक रेशनल नंबर, दूसरा इरेशनल नंबर, इसे पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, क्यू नॉट इक्वल जीरो, क्या के फॉर्म में लिख सकते हैं जल्दी, पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं क्यू नॉट इक्वल जीरो, वेयर पी एंड क्यू इज द इंटीजर्स, और चूंकि इसको हम डिवाइड के फॉर्म में लिख सकते हैं तो रिजल्ट तो कोसेंट आएगा, इसलिए इसका सिंबल क्यू से होता है। क्या होता है? अब यहां पर क्यू पॉजिटिव, यहां पर नॉन निगेटिव क्यू, यहां पर निगेटिव क्यू रेशनल, यहां लगा देंगे तो नॉन पॉजिटिव रेशनल, और क्यू में से जीरो को हटाया जा सकता है। सिंबल सब लोग समझ रहे हैं, इरेशनल का कोई सिंबल नहीं होता है। यहां पर ये रेशनल नंबर दो टाइप से हुआ, कितने टाइप से हुआ? कितने टाइप से हुआ? एक को कहा गया इंटीजर्स, क्या कहा गया? और दूसरे को कहा गया फ्रैक्शनल, क्या कहा गया? क्या कहा गया? फ्रैक्शनल, क्या कहा गया? क्या कहा गया? इंटीजर्स यानी क्यू जिसका वन हो, क्यू जिसका वन हो वह इंटीजर्स कहलाता है, क्या कहलाता है? यानी दशमलव के बाद कोई, आगे चल के इसका नाम
कैरेक्टरिस्टिक्स के नाम से जाना जाएगा, कैसे? और यह जो फ्रैक्शनल है मंतीशा के नाम से जाना जाएगा, किसके नाम से? किसके नाम से? और इस इंटीजर्स का भी टाइप हुआ, क्या हुआ? तो वह टाइप में पहले वाइब से इवन नंबर और दूसरे वाले से ऑड, पहले वाले से क्या इवन, दूसरे वाले से क्या ऑड। इवन नंबर का मतलब हुआ तो दो का मल्टीपल हो इवन, और दो के मल्टीपल से एक ज्यादा हो ऑड, कोई दिक्कत? और इस इवन नंबर का तीन बेटा हुआ, कितना हुआ? एक का नाम रखा पॉजिटिव इवन नंबर जो तुम लोग पढ़ के आए हो, 2, 4, 6, 8, बोलो यस या नो। दूसरा हुआ 0 और तीसरा हुआ निगेटिव। तीसरा क्या हुआ? -2, -4, -6 आया। ऑड का कितना बेटा? 2 बेटा, या तो पॉजिटिव या तो 1, 3, 5, 7, ये पॉजिटिव हो गया, और यहाँ -5, -3, -1 ये सब आपका निगेटिव हो गया, समझ गए? तो ये दूसरे वाले से भी काम किया, वह काम क्या हुआ? एक इंटीजर से एक होल नंबर का जन्म हुआ, और दूसरा निगेटिव इंटीजर्स का क्या क्या, होल नंबर में 0 आया, 1 आया, 2 आया, 3 आया, और निगेटिव में तो आ गया, बोलो यस या नो। और इसमें से 0 हट गया, उसको कहा गया नेचुरल नंबर, क्या कहा गया? यह डिसेंडिंग ऑर्डर में हमने आपको बताया, किस ऑर्डर में बताया? अब थोड़ा एसेंडिंग ऑर्डर में भी हम लोग जाने, तो सबसे पहले आया उस नंबर का नाम था नेचुरल, क्या नाम था? देखो यहां पर फिगर में तुमको दिख रहा है 0 नहीं है, 0 इसको कहा गया नेचुरल नंबर, क्या कहा गया? प्राकृत संख्या, हिंदी में तुम लोग नाम सुना होगा प्राकृत, और इसको डिनोटेट किया गया कैपिटल एन से, क्या से? और इसको सिंबल बनाया गया, इसको ये, बोलो क्लियर है? यानी अगला नंबर का इंट्रोडक्शन हुआ, और उसका नाम था होल नंबर, क्या नाम था? होल नंबर, यहां एरो बनाते चलेंगे, होल नंबर, देखते चलना। इसको बोलते हैं पूर्ण संख्या, क्या बोलते हैं? पूर्ण, डिनोटेड करते हैं डब्ल्यू से, कैसे? निगेटिव नंबर को ट्रायंगल बनाया गया, क्या बनाया गया? इसको हम बोलते हैं निगेटिव इंटीजर्स, क्या बोलते हैं? यानी होल नंबर, ये होल नंबर है, और इसके साथ निगेटिव इंटीजर्स बन गया, तो ये बना इंटीजर्स, क्या बना? इंटीजर्स। और चूंकि ये जेहलेन वर्ड से बना है, इसका सिंबल 2 होगा, या तो जेड या आई, इंटीजर्स के लिए आई, चूंकि बर्ड बना है जेहलेन से, इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ, बोलो, जेड, क्या नाम हो जाएगा? क्या नाम हो जाएगा? अब देखो, ये तो इंटीजर्स की घर हो गई, और इसके साथ आपका फ्रैक्शनल वाला भी जुट गया, यह सिंबल डिसीजन बॉक्स होता है, और इसे कहा गया
रेशनल नंबर क्या कहा गया, रेशनल नंबर। और थोड़ा सा आगे बढ़े और ये रिक्टेंगल हो गया, समझ गए। और इधर से भी बॉक्स, इधर से भी बॉक्स, इधर से भी बॉक्स, इधर से भी बॉक्स, यही है रियल नंबर। क्या है अब सिंबल में बता दो, ये किसका सिंबल है जल्दी जल्दी बताओ। वेरी गुड, यानी नेचुरल नंबर प्रॉपर सबसेट होता है होल नंबर का, होल प्रॉपर सबसेट होगा इंटीजर्स का, इंटीजर्स प्रॉपर सबसेट होगा रेशनल का, रेशनल प्रॉपर सबसेट होगा रियल का, और रियल प्रॉपर सबसेट होगा कॉम्प्लेक्स का। किसका होगा सिंबल के अगर जहां पर सवाल है तो ये दोनों का तो फिक्स है, यहां पर ये फिक्स नहीं है। अगर ये जेड लिखा हुआ है तो इंटीजर्स, जेड प्लस लिखा हुआ है ऊपर की ओर तो पॉजिटिव इंटीजर्स, और जेड नीचे की ओर माइनस लिखा हुआ है तो नॉन निगेटिव, बोलो नॉन इंटीजर, यानी इसमें जीरो शामिल हो जाएगा, जीरो वन टू, दिस आल्सो नेम इज द होल नंबर, आल्सो नेम इज द, और जेड प्लस मतलब आल्सो नेम इज द नेचुरल नंबर। क्लियर, इसी ढंग से इरेशनल क्या, और इरेशनल पॉजिटिव, इरेशनल यहां पर रहेगा तो नॉन निगेटिव, बोलो नॉन निगेटिव रेशनल नंबर। इसी ढंग से रियल का तो सिंबल आप लोग जान चुके हैं। बहुत अच्छा लगा कि आप लोग सिंबल समझने में कोई तरह का दिक्कत नहीं। यह 40 मिनट का वीडियो चलेगा और उसी में आपको 5 मिनट का क्वेश्चन आंसर की डिस्कशन, क्योंकि एडवांस स्कूल ऑफ मैथ एंड साइंस में जो हम फाउंडेशन प्री फाउंडेशन की जो देते हैं उसमें 20 मिनट का है, शुरू 15 मिनट थ्योरी, अगला 5 मिनट क्वेश्चन आंसर का डिस्कशन, उसी टाइप से सरदार पटेल सुपर 30 11 12 जेईई नेट के लिए ये 40 मिनट की वीडियो, शुरू का 35 मिनट थ्योरी और अगला 5 मिनट में क्वेश्चन आंसर का डिस्कशन। अब हम लोग बात करेंगे, यानी अब टॉपिक पर हम लोग मुद्दे पर आते हैं, और पहला टॉपिक है सेट्स एंड देयर रिप्रेजेंटेशन। फर्स्ट टॉपिक को हम डिस्कशन करने जा रहे हैं, सेट्स एंड देयर रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन, यानी सेट्स क्या है और कैसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम बात करें सेट का तो सेट्स का मतलब होता है वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। सेट्स का मतलब होता है क्या होता है, सेट का मतलब फिर से बताओ, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ
ऑब्जेक्ट्स। क्या होता है जल्दी का? तो वेल डिफाइंड मतलब क्या होता है, पहले ये बात को हम करेंगे। देखो वेल डिफाइंड जो बना है उसका मतलब होता है सुप्रभाषित। क्या होता है जल्दी बताओ? सुप्रभाषित। क्या होता है जल्दी बताओ? कहने से स्पष्ट हो जाए। क्या हो जाए जल्दी बताओ? क्या हो जाए जल्दी बताओ? यानी कहने से स्पष्ट हो जाए। क्या हो जाए जल्दी बताओ? इसको इंग्लिश में कहते हैं क्लियरिफिकेशन। क्या कहते हैं? क्लियर, इसको बोलते हैं स्पष्टीकरण। क्या बोलते हैं? मैंने कोई कोई देखोगे डायलेमा में बात बोलता है। क्या दी, आपका टाइम हो चुका है 7:05 हो गया है। तो स्पष्टीकरण क्या है? ये जानना बहुत ही जरूरी। यह स्पष्टीकरण क्या है? तो मैं कुछ क्वेश्चन बोलूंगा, देखना उससे स्पष्ट हो जाएगा। अगर स्पष्ट हो गया तो सेट होगा, और स्पष्ट नहीं होगा तो सेट नहीं होगा, क्योंकि मैं क्वेश्चन का वादा किया था। पहला क्वेश्चन है आप लोग के पास एक्सरसाइज 1.1, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट जस्टिफाई योर आंसर। पहला क्वेश्चन है द कलेक्शन ऑफ ऑल मूवमेंट ऑफ सॉरी द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ ऑफ द ईयर बिगनिंग विथ लेटर जे। बोलो ये स्पष्ट लग रहा है कि नहीं? महीना का वह नाम जिसका स्टार्टिंग जे से हुआ है। बोलो स्पष्ट दिख रहा है? बोलो हाँ चाहना सर्च कर दोगे, स्पष्टीकरण है, सेट थ्योरी है, तो सेट है। क्लियर हो गया? अगला प्रश्न, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया। ये कलेक्शन है, स्पष्टीकरण है। अगर राइटर की बात करोगे मुंशी प्रेमचंद साहब का, तो क्या दूसरा आदमी नहीं होगा? ये गलत है ना? अगला क्वेश्चन, ये टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेटर बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। यहां पर जो है एडजेक्टिव जहां पर लग जाएगा वो वेल डिफाइंड नहीं होगा। जैसे आदमी बहुत आदमी कहता है हम तो बड़ा गरीब है, लेकिन उस गरीब को आदमी को भी देखिए जो खाने के लिए तरस रहा है। बोलो, और जो खाने की तरस रहा है उस आदमी से वो कंपेयर करें जो खाने के लिए सोच भी रहा है। बोलो तो क्या गरीब आदमी है? बहुत आदमी बोलता है वो अमीर है, क्या अमीर आदमी वेल डिफाइंड है? नहीं। लेकिन अगला प्रश्न है द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास, ये देखो वेल डिफाइंड है। वेल डिफाइंड, आज के क्लास में जाओ जितने हैं, जैसे तुम एक ही हो, क्या हो तो क्या लिखा है? अगला है द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100। लेस देन क्या? 100। तो 1, 2, 3, 4, ठीक है,
ये डॉट 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 चल जाएगा द कलेक्शन ऑफ नोवेल राइटर बाय द राइटर रिटन बाय राइटर मुंशी प्रेमचंद ये तो वेल डिफाइंड है. अगला द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स ये भी कलेक्शन होगा. द कलेक्शन ऑफ द क्वेश्चन दिस चैप्टर दिस ये भी वेल डिफाइंड है. ए कलेक्शन ऑफ द मोस्ट डेंजरस एनिमल्स इन द वर्ल्ड क्या ये होगा जिसको भी चल रहते हो हम लोग सांप से डरते हैं और साइंटिस्ट लोग सांप को चबा चबा के खाते यस या नो तो क्या वेल डिफाइंड है. तो आप लोगों ने सेट थ्योरी को समझ गए हैं कि कौन सेट है और कौन से अगर आप लोग समझ गए हैं तो बहुत अच्छा बात और नहीं समझे तो हमसे बात करें. जवाब होगा सर जी हम तो समझ गए यानी सेट्स को हमने डिफाइन कर दिया है इसमें कोई दुमत की बात नहीं है. अब हम बात करेंगे रिप्रेजेंट करने का. क्या करने का रिप्रेजेंट करने का कि हम रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं. तो देखो सेट का रिप्रेजेंटेशन जब कोई आता है बच्चा तो पहले उसको सेपरेट सेपरेट रखा जाता है. क्या रखा जाता है जैसे आप हमारे रेसिडेंशियल सिस्टम में आए तो आपका नाम संजीव हुआ बोलो यस सर तब पहले लिखाया संजीव जी फिर आए पुष्पांजय जी बोलो देखो यार सेपरेट सेपरेट लिखा गया. क्या लिखा गया तो सेपरेट को कहते हैं लिस्ट. क्या कहते हैं या इसको बोलते हैं रोस्टर फॉर्म. क्या बोलते हैं या बोलते हैं टेबुलर फॉर्म. क्या बोलते हैं लिस्ट मेथड रोस्टर टेबुलर बोलो यार सर. लेकिन तुम लोग को देखो एक खास गुण है. क्या है खाना खाएंगे तो दोनों साथे खाएंगे ना ये भी तो एक गुण है. भूखे रह जाएंगे लेकिन खाना तो साथ ही खाएंगे बोलो यस सर. ये खास गुण है कि नहीं यस सर. अच्छा बताओ ये क्रम का खास गुण है जी बोलो. बिल्कुल सही पकड़ा एकदम सही पकड़ा यानी इसके खास गुण को पकड़ के इसलिए यह कहलाएगा सेट बिल्डर फॉर्म. क्या कहलाएगा जल्दी या रूल मेथड. कौन सा मेथड या इसकी प्रॉपर्टी मेथड बोलो यस या नो. यानी तू सोच सकता है यार लेकिन लिखने से पहले एलिमेंट आएगा. क्या आएगा यानी कौन एलिमेंट होगा कौन एलिमेंट और कौन एलिमेंट नहीं हो. क्या आएगा जल्दी बताओ. अगर ये सेट हम बना दिया ए का. क्या का बना दिया तो देखो छोट का ए बिलोंग कराता कि नो. तो लिखा गया ए बिलोंग टू लेकिन छोटा भी बिलोंग टू कि नॉट बिलोंग टू. नॉट बिलोंग टू. यहां पर सी बिलोंग टू कि नॉट बिलोंग टू. यहां पर ओ बिलोंग टू कि नॉट बिलोंग टू. नॉट बिलोंग टू है. तो लिखेंगे बिलोंग टू. क्या लिखेंगे यानी इससे भी क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी का बन सकता है. एनसीईआरटी का
चूंकि हमने वादा किया है कि एनसीईआरटी क्वेश्चन को हम लाइन बाय लाइन करके दिखाएंगे और वादे पर खरे उतरना हमारी आदत है। ए इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5, 6 इंसर्ट द एप्रोक्सिमेट सिंबल बिलोंग टू एंड नॉट बिलोंग टू इन द ब्लैंक स्पेस। और पहला क्वेश्चन आपके पास आया है ये, दूसरा प्रश्न आपके पास ए, तीसरा प्रश्न ए, चौथा प्रश्न ए, पांचवा प्रश्न ए और छठा प्रश्न आपका है। हम समझते हैं कि आप क्वेश्चन को आराम से कर देंगे। बोलो यस या नो। पांच इसमें है जी, पेन चेंज कर दो जी। तो पांच क्या लिखाएगा जी? आठ है जी, क्या लिखाएगा जी? जीरो है जी, क्या लिखाएगा जी? चार लिखाएगा जी, दो लिखाएगा जी, दस है जी, बात समझा जी? है कोई दूसरा ऑथर वाला रहेगा तो क्या सोचेगा? ट्रू और फॉल्स का सोचेगा? अविनाश तो नहीं समझ रहता है जी, सब सर आके बैठा रहेगा तो यानी क्वेश्चन टू को समझने में किसी भी स्टूडेंट को कोई तरह का दिक्कत नहीं। अब हम लोग रिप्रेजेंटेशन को सीख रहे थे तो हमारे पास दो मेथड बने, एक रोस्टर और दूसरा टेबुलर। क्योंकि मैं कहानी को खत्म कर दूंगा, कहानी करते रहूंगा, देखेंगे जैसे ही 40 मिनट होगा, हम वादा करते हैं कि आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होगा। क्योंकि घड़ी मिलाना मेरी पुरानी आदत और अभी तक आपने 29 मिनट का दृश्य को देखा है, 11 मिनट मेरे पास है और एनसीईआरटी का 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 हमने कर लिया है। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या होगा किसी बुक का, तो यानी क्लियर बात है कि सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ रहेगा, उसको रोस्टर फॉर्म में करना रहेगा। यही लिखा हुआ है, राइट द फॉलोइंग सेट रोस्टर फॉर्म। तो यहां पर आप इसे रोस्टर फॉर्म में लिखने की आदत, पहला कह रहा है एक्स सेट द टैक्स इन द इंटीजर्स -3 से यहां 7 तक है, इंटीजर्स लिखना है तो -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। पहला क्वेश्चन कैसा लगा? अगला है एक्स सेट द टैक्स इन द नेचुरल नंबर लेस देन 6, तो वह नेचुरल नंबर होगा 1, 2, 3, 4, 5। अगला होगा टू डिजिट का नंबर जिसका सम 8 हो, तो पहला नंबर 17, दूसरा नंबर 26, 35, 44, 53, 62,
71 और 80। अगला क्वेश्चन है, एक्स इज द प्राइम नंबर विच डिविजिबल बाय 60। तो यहां पर 60 को जो डिवाइड कर दे तो वह होगा 235। अगला क्वेश्चन, द वर्ड जो यहां पर ट्रिग्नोमेट्री लिखा गया है, ट्री गो नो मेट्री, इस वर्ड में जो जो लेटर यूज हुआ है, क्योंकि एक लेटर को दोबारा आप नहीं लिख सकते हो, तो यहां पर टी आर आई जी ओ एन, यहां एम ई और आर तो लिख दिया है वाई। तो बहुत अच्छा। अगला है बेटर, तो यहां पर बी ई टी आर। अगला क्वेश्चन क्या होगा सोचो यार। अब रोस्टर फॉर्म में दिया हुआ रहेगा, क्या दिया हुआ रहेगा रोस्टर फॉर्म में दिया हुआ रहेगा, उसको सेट वेंडर फॉर्म में करना होगा। देखो इसका गुण को देखो, 36912 है, इसका गुण समझ रहे हो, 3 के मल्टीपल है सर जी, कहां तक 4 तक, कहां तक इसको गौर से देखो, तो कह सकते हो ना कि 2 का पावर है, 2 का कहां तक 5 तक, यहां 5 है, 25 है, 125 है, 625 है, 5 का पावर है, बोलो यस या नो, 2 है, 4 है, 6 है, डॉट 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 है, बोलो 2 का मल्टीपल है कि नहीं। अगला है 1 है, 4 है, 9 है, ये 100 तक गया हुआ है, इसका मतलब तो सज कि नहीं, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, इसी ढंग से ए ई आई ओ यू है, ये वोवेल लेटर है कि नहीं, ये डब्ल्यू वाई है तो सेमी वोवेल है कि नहीं, यहां -1 और 1 है, स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी है कि नहीं, 1 है, ओमेगा है, ओमेगा स्क्वायर है, क्यू रूट ऑफ यूनिटी है कि नहीं, यहां पर 1 है, आई है, -1 है, -i है, तो फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी है कि नहीं। तो आपको आर एस अग्रवाल के सी सिन्हा सर के क्वेश्चन में मैं करवाते चल जा रहा हूं। अगला क्वेश्चन नंबर 5 जो है, वह 5 नंबर कह रहा है कि लिस्ट ऑफ द एलिमेंट द फॉलोइंग सेट, पहला ऑड नेचुरल नंबर का कह रहा है, तो ऑड नंबर नेचुरल नंबर नेचुरल नंबर ऑड नेचुरल नंबर कहा है, सॉरी, यह 1 3 5 7 16, कोई दिक्कत। अगला कह रहा है इंटीजर्स जो -1/2 से बड़ा हो और 9/2 से छोटा हो, तो यहां 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अगला यहां पर है x स्क्वायर लेस देन इक्वल देन 4, यानी x ये मॉड में रहेंगे, ये हो जाएंगे यानी -2 से बड़ा +2 तक, यानी -2 -1 0 1 2। अगला है x इज द लेटर ऑफ द वर्ड लोइन, यानी यहां पर l लिखाएगा, o लिखाएगा, y लिखाएगा, a लिखाएगा, बोलो यस या नो। यहां पर मंथ है ऑफ ईयर नॉट हैविंग 31, जो 31 से नहीं है, 31 से तो आपका फरवरी हो जाएगा, अप्रैल हो जाएगा। यह कांस्टेंट लेटर जो के से पहले आता है, के से क्या आता है, वो भी क्वेश्चन आपको हो जाएगा, कोई दिक्कत। अगला है 6 नंबर क्वेश्चन मैचिंग टाइप का, तो एक तरफ रोस्टर फॉर्म में दिया हुआ है, तो मैं पहले क्वेश्चन को लिख दूं। क्वेश्चन नंबर 1 है, यहां पर 1 है, 2 है, 3 है, 6 है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है
टू और थ्री है, क्वेश्चन नंबर थ्री जो है एम है, ए है, टी है, एच है, ई है, आई है, सी है, एस है। क्वेश्चन नंबर फोर एक तीन पांच सात नौ है, ये कॉलम वन में है और इधर ए आ में है एक्स, ये सच दैट पढ़ाता है, क्या पढ़ाता है, एक्स इज ए प्राइम नंबर, प्राइम नंबर एंड डिवीजर ऑफ सिक्स, यानी छह का डिवीजर कौन होगा, ये तो तुमको मिल गया, बोलो यस या नो। अगला प्रश्न आपके पास, एक्स सच दैट एक्स, एक्स इज ए एंड ऑड नंबर, ऑड और नेचुरल नंबर लेस देन टेन, दस से छोटा नेचुरल नंबर ऑड में कौन है भैया, ये है, बिल्कुल सही जवाब, और सी ऑप्शन है, एक्स साइड दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड डिविजन ऑफ सिक्स, छह से डिवाइड हो, छह को डिवाइड कर दे, वन टू थ्री सिक्स, बोलो यस या नो। एंड लास्ट ऑप्शन इज एक्स सच दैट एक्स इज ए लेटर ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स, मैथ है, तो ये वाला हो जाएगा, बोलो यस या नो। तो अभी हमारे पास दो मिनट है, मैं कुछ क्वेश्चन आपको देता हूं, सोचना सोचना, लोगों से पूछना, रोस्टर फॉर्म में दूंगा और तुम्हें करना होगा सेट बिल्डर फॉर्म में। फर्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन इज सिक्स 28 एंड सेकेंड क्वेश्चन इज 1 153 370 371 and 407 एंड थर्ड क्वेश्चन इज डब्ल्यू आई एंड फोर्थ क्वेश्चन इज वन टू नाइन 44 समथिंग समथिंग है वही, ये चार प्रश्न को आप लोग बना के रखेंगे ऐसे होमवर्क, आपको हमने एक्सरसाइज 1.1 करवा दिया है, या कोई भी बुक बात करें, चाहे आर डी शर्मा जी की बात करें, कैसी शर्मा जी की बात, जियो भी ऑथर की बात करें, आपका एक्सरसाइज 1.1 बन जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में 1.2 लेकर टाइप्स ऑफ सेट।